पानीपत के एक व्यक्ति के साथ बैंक कैशियर की अभद्रता का मामला सामने आया है। व्यक्ति का कहना है कि जब तक बैंक कैशियर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती वो अपनी लड़ाई जारी रखेगा। बैंक में कैशियर लोगों की सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन अगर वही कैशियर आपके साथ अपनी मर्यादा को भूल जाए और अभद्रता करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? मामला पानीपत के असलगुड़ा गांव का है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करवाने गए सलीम खान के साथ कैशियर ने अभद्रता की। सलीम खान का आरोप है कि जैसे ही उसने कैशियर को 13,500 रुपए दिए तो उसने 10 के नोटों की गड्डी फेंक कर कहा कि वो ये नोट नहीं लेगा। मैं यहाँ सनोली रोड स्थित जो PNB बैंक है, मैं उसमें 13,500 रुपए जमा कराने के लिए गया। मैंने वहाँ पर अपना वाउचर भरा और अपनी बारी का इंतजार भी किया। जो कैशियर था मेरे से दो तीन जो आगे थे उनके साथ भी वो बिहेव जो था उनका ठीक नहीं था। जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैंने वाउचर के साथ जो मेरी नकदी थी मैंने वो उसको कैश रूम में उसके दी, तो उसने 10 के नोट की जो गड्डी है वो बाहर फेंक के मारी और बोला कि ये जमा नहीं होती, छोटे नोट मैं बिल्कुल जमा नहीं करता, जबकि मेरी गड्डी में एक भी नोट जो है खराब नहीं था। सलीम खान का कहना है कि कैशियर ने उनके साथ ही अभद्रता नहीं की बल्कि नोट छपे बापू का अपमान भी किया। सलीम खान का कहना है कि जब तक कैशियर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। मैंने उसकी एक शिकायत SP और DC को भी दी है और जिलाधीश जो बोलते हैं मजिस्ट्रेट आता है इनके अंतर्गत जो काम करता है उसको दी है, और उस शिकायत में मैंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने 10 के नोट की गड्डी का नहीं फेंकी बल्कि उस नोट की गड्डी पे महात्मा गांधी का जो चित्र है, जो महात्मा गांधी उस पर अंकित है, उनको उसने बाहर फेंका और मेरे से वो जो महात्मा गांधी की जो उन्होंने गड्डी फेंकी वो उनको फेंके तो मेरे से वो दर्द सहन नहीं हुआ। मैं तब तक ये लड़ाई लड़ूंगा जब तक वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। अब देखना होगा सलीम खान की शिकायत पर बैंक कैशियर के खिलाफ क्या एक्शन लेती है और अभद्रता करने वाले कैशियर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।